यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आज फ्राइडे है ना, तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट सबको बता दूं. ओके, बताना क्या है कि स्केड्यूल क्या होता है. अभी हम लोग वोकैब का सीरीज कर रहे हैं, तो वोकैब की सीरीज में मंडे ट्यूजडे सिनोनिम्स होता है, वेंसडे को एंटोनिम्स होता है, थर्सडे को इडियम्स होता है और फ्राइडे को वन वर्ड होता है. और सैटरडे संडे को, मंडे से फ्राइडे तो मैं लाइव आती हूँ, अपना स्केड्यूल बता दे रही हूँ. मंडे से फ्राइडे सुबह 11 बजे मैं लाइव आती हूँ, बट सैटरडे और संडे को आपके पास मैराथन जाता है. तो वीक के 7 डेज पैक्ड रहता है, एक दिन भी आपका सेशंस खाली नहीं जाता, हर दिन आपको सेशन मिलता है. ठीक है, सैटरडे सैटरडे और संडे को शाम में 7 बजे, ठीक है, 7 बजे से मैराथन आता है 7 PM से. तो देख लीजिएगा. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. ओके, तो मैं कोशिश करती हूँ ना, काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट का एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दीजिए. तो मैं डिसाइड किया है कि मे बी अभी मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडे को हो सकता है आपके पास क्लोज टेस्ट का मैराथन पहुँच जाए. ठीक है, एक क्लोज टेस्ट का मैराथन सेशन सैटरडे को चला जाएगा शाम में 7 बजे. तो रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देख लेना. ओके, और चैनल से जुड़ टेलीग्राम से जुड़ जाना. कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है. ठीक है, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाना. टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद रानी मैम, ब्रैकेट में यूसी लाइव है. जुड़ जाना, सारा PDFs वहीं पर मिलने वाला है. ठीक है, और बच्चे बोल रहे थे मैम 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर जो आपने पढ़ाया है, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर बाय रानी मैम का मैराथन जो आपने पढ़ाया है उसका PDF दे दीजिएगा. उसका PDF ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टेलीग्राम पे. ठीक है, उसका Part 1 है, Part 2 है, Part 3 है. तो वो जो सारा मैंने आपको रूल्स और कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं उसका PDF टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है. ओके, आप टेलीग्राम पे जाना, मीडिया में जाके शेयर करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा. ओके, वहाँ उसका PDF डाला हुआ है और बहुत अच्छे से A4 साइज में डाला हुआ है. तो आप ढूंढिए, वहाँ पे मिल जाएगा, या स्टूडेंट शेयर कर देंगे. कोई स्टूडेंट्स मांग रहा है तो आपस में आप लोग शेयर कर लेना, वहाँ से काम हो जाएगा. Part 1, Part 2, Part 3 ज़रूर देखना. एफ कैट आ गया है मैम, वोकैबुलरी कौन सा रिवाइज करे, यही सब वोकैबुलरी होगा. एफ कैट कोई रॉकेट साइंस वाला कोई अलग एग्जाम थोड़ी है कि एफ कैट के लिए अलग सा वोकैब बना हुआ है. सब यही वोकैब पढ़ना और इसी से आएगा ही. ठीक है, चलो अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं. तो आज का हमारा पहला वर्ड है, हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ, आज आपका यूट्यूब, आप लोग जो मैम बच्चे पूछ रहे थे मैम आपने A to Z वो कैप का सीरीज बंद कर दिया, नहीं, बिल्कुल चल रहा है. A to Z वो कैप सीरीज चल रहा है अन अकेडमी यूट्यूब पे, अन अकेडमी लाइव SSC एग्जाम्स, ये यूट्यूब चैनल है अन अकेडमी का. और आज मैं M वाले वर्ड्स करवाऊंगी. हमने ABCDEFGHIJKL तक कर लिया था, आज से हम शुरू करेंगे M वाले वर्ड्स. तो जुड़ जाना, 1 से 2 आपकी क्लास है M वर्ड्स का. इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है. तो पेनिशिया है टेलीग्राम, कुछ भी फ्री क्लास या आपको इम्पोर्टेंट कुछ भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लासेस का इन्फॉर्मेशन लेना है, सारा क्लास का लिंक टेलीग्राम पे है. तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए. ठीक है, और 1 से 2 M वर्ड्स है, जुड़ जाना है. चलो, द स्टडी, पहला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, आज M वर्ड्स है. सारा प्रीवियस पेपर ही आया हुआ है, सारा प्रीवियस वन वर्ड और idiom और टीचर्स ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स प्रीवियस पेपर ही लेके आते हैं, उसी में कुछ नया ऐड कर देते हैं. हाँ, आप बताओ, द स्टडी ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के स्टडी को क्या बोलते हैं? इलेक्शन के स्टडी को बोलते हैं सेफोलॉजी, सेफोलॉजी. और फिलैंथ्रोपिक, अच्छा फिलैटली किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, ये जो स्टडी ऑफ स्टैम्प वगैरह होता है ना, स्टडी ऑफ स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प्स, हर कंट्री के स्टैम्प्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं. फिलैंथ्रोपी किसको बोलते हैं? फिल का मतलब है लाइक करना, एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड से लव करते हैं, मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, मैनकाइंड के भलाई के लिए. एरेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्कॉर्पियंस, जो स्कॉर्पियंस होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, उसके स्टडी को हम एरेक्नोलॉजी बोलते हैं. एरेक्निड्स के स्टडी को एरेक्नोलॉजी बोलते हैं. तो इलेक्शन के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेफोलॉजी. और जो पर्सन इस स्टडी को करता है उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, सेफोलॉजिस्ट. ठीक है, चलो हो गया. हाँ, ये ऐसे लोग हैं, लवर ऑफ मैनकाइंड इज, यस, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, दे आर चैरिटेबल, जो भलाई के लिए काम करते हैं.
दे आर एल्ट्रुइस्ट, जो लोगों की भलाई के लिए, मैनकाइंड की भलाई के लिए काम करते हैं उसको एल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वाला, हाँ, स्टडी ऑफ स्कॉर्पियन स्पाइडर्स, उसके स्टडी को एरिग्नोलॉजी बोलते हैं। मेक समथिंग लेस सीवियर, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हाँ पढ़ते भी रहो, इसके बिना तो अधूरा है, पढ़ोगे कैसे। किसी चीज क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखो, ये सब ना, ये सब मैंने आपको वर्ड पावर में भी करवा दिया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब करना, वर्सन करना, गुस्से में है उसके गुस्से को एग्रावेट कर रहे हैं, उसको और भी उकसा रहे हो। मेडिएशन, मेडिएशन का मतलब मीडिएट करना, बीच में बिचौलिए को बोलते हैं, मीडिएटर होते हैं ना उसके लिए, मीडिएटर। रिडक्शन का मतलब कम करना। अच्छा, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे हमारे रिडक्शन भी बोल रहे हैं और कुछ बच्चे पैलिएशन भी बोल रहे हैं। अच्छे से देखो, लैंग्वेज समझो। किसी भी चीज़, रिडक्शन का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ अमाउंट में कम करना, कोई भी चीज़ अमाउंट में कम करना मतलब किसी चीज़ की मात्रा। ओके, टू रिड्यूस द क्वांटिटी और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ थिंग, बट दे आर नॉट आस्किंग द अमाउंट, दे आर टू मेक अ कंडीशन लेस सीवियर, किसी चीज़ के इफेक्ट को कम करना। लेस सीवियर मतलब टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी की तीव्रता को कम कर रहा। यू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, दैट गोज इन सेंस ऑफ पैलिएशन। पैलिएट करना, पैलिएट करना मतलब है किसी के गुस्से को शांत करना, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है। एसवेज करना, किसी के आंसू को पोंछना, किसी के गुस्से को काम डाउन करना। देन यू हैव द वर्ड अपीज करना, मॉलीफाई करना, इतने सारे, प्लकेट करना, पैसिफाई करना, मिटिगेट करना, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, यू आर मिटिगेटिंग समथिंग, ये सब तो बता दिया है। अन अकेडमी का जैकेट लेने के लिए ना आपको एग्जाम निकालना होगा, उसके बाद मैं आपको जैकेट दिलवाऊंगी। लाइवली और हाईली स्पिरिटेड, अन अकेडमी का जैकेट चाहिए, मैं आपको दो जैकेट दिलवाऊंगी, बट आप एग्जाम निकालो पहले। लाइवली और हाई स्पिरिटेड लोग को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन, ग्रेव, विवेशियस एंड डिस्करेज्ड। यस, वेरी गुड रजत। कंसिलिएट करना, पैलिएट करना, प्रोपिशिएट करना, देखो बच्चों ने कितने अच्छे से याद रखा। यस, बहुत जिंदा दिल लोग, फुल ऑफ लाइफ, बहुत लाइवली लोग होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, हमेशा जोश, एंथुजियास्टिक होते हैं, एब्यूलियंट होते हैं, ऐसे लोग को हम विवेशियस बोलते हैं। हाँ, ग्रेव का, एक तो ग्रेव का मतलब कब्र होता है, एंड अ पर्सन हु इज वेरी ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस पर्सन, वेरी सीरियस। और डिप्रेशन तो पता है, डिस्करेज भी आपको पता है, होपलेस है, डिस्करेज्ड है मतलब बहुत दुखी है, होपलेस है। तो विवेशियस इज अ पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, ही इज वेरी एवरविसन, ही इज एब्यूलियंट, एनर्जेटिक, वेरी लाइवली, ही इज वेरी फ्रिस्की, वेरी लाइवली पर्सन को बोलते हैं, फुल ऑफ, यस, बहुत जॉन्टी रोड्स, बहुत जॉन्टी है, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक है। नेक्स्ट, वन हु डज और स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, कोई भी काम को ना आप बहुत सीरियसली नहीं करते हो, कोई भी काम को, फ्लैम्बॉयंट है, बॉयंट है, एफर्वेसेंट है, जॉन्टी है, फ्रिस्की है, सब कर चुके हो आप। बॉयंट है, बॉयंट का मतलब भी होता है वेरी एनकरेजिंग, अपथ्रस्ट, लाइफ वायर है, वेरी गुड हिमांशी, लाइफ वायर है, यही होना चाहिए। बच्चे हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ बच्चे इडियम्स भी भेज रहे हैं, अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हो। यस, अ पर्सन हु स्टडीज विदाउट सीरियसनेस, कोई भी काम को ना बिना सीरियसनेस करता, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। डेलिबरेट का मतलब जानबूझकर, और डेलिजेंट का मतलब तो हार्ड वर्किंग। वैसे डेलिबरेट वर्ड का दो मतलब होता है, एक डेलिबरेशन वर्ड होता है डिस्कस करना किसी चीज को, और एक डेलिबरेट का मतलब है कोई भी चीज जानबूझकर, इंटेंशनल। जब डेलिबरेट वर्ब का काम करता है ना तो उसका मतलब डिस्कस के सेंस में जाता है, डेलिबरेशन, डिस्कशन। यस, डिलेटेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, हाँ बहुत ज़्यादा दिल से नहीं कर रहे हो, देखो इसमें दिल लगा हुआ, काम को ना बहुत ज़्यादा दिल से नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं कर रहे हो, डिलेटेंट।
अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, ये एक पर्सन जो दूसरे को हेल्प करता है क्राइम कमिट करने में। दिल्ली के एजेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, वो तो डेलीजेंट है। दिल से काम नहीं करने वाले लोग डिलेडेंटी होते हैं, डिलेडेंटी होते हैं। यस, अ पर्सन जो दूसरे को हेल्प करता है क्राइम करने में, जैसे बोलते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, गलत काम में किसी का को साथ देना, गलत काम में साथ देना। आपके कलीग होते हैं नो, आपके असिस्टेंट होते हैं नो, सपोर्टर होते हैं नहीं, ये बना ही है सपोर्टर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब होता है ना जो आपको हेल्प करता है गलत काम करने में, क्राइम कमिट करने में आपका साथ देता है। बट ये सब तो अच्छे हैं भाई, आपके कलीग जो आपके साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट जो आपको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, आपके सपोर्टर। नेक्स्ट वाला थोड़ा स्पीड में चलते हैं। कॉजिंग अनॉयंस और रिजेंटमेंट, कोई ऐसा चीज़ जो आपको अनॉय करता है, रिजेंटमेंट आपके अंदर। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हेट्रेड, एंगर, हेट्रेड, जो आपके अंदर गुस्सा और नफरत पैदा करता है, आपके अंदर रैंकर पैदा करता है, ठीक है, आपके अंदर डाला तो नहीं ना, बिटरनेस पैदा करता है, कड़वाहट पैदा करता है, वैसे चीज़ को क्या बोलेंगे? यस सिद्धांश, इन कहूट्स विद का मतलब भी होता है साठगांठ करना, गलत काम के लिए आंसर बताना। यस केसरी, वेरी गुड। गॉलिंग, गॉल, गॉल पित्त को बोलते हैं। गॉल, गॉल इज अ लिक्विड, ओके, आपके गॉल ब्लैडर में ना, आपके गॉल ब्लैडर में गॉल लिक्विड होता है जिसको पित्त को बोलते हैं, येलो कलर का, एंड दैट इज वेरी कड़वा, वेरी बिटर। तो गॉल, गॉलिंग मतलब बहुत कड़वाहट, बिटरनेस, बिटरनेस, गॉल। गेट समवंस गोट, वेरी गुड। किसी को एनॉय करना, देखो इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, गेट समवंस गोट, किसी की गोट चुरा लेना किसी को, इफ यू स्टील समवंस गोट ना, दैट पर्सन विल बिकम वेरी एनॉयड। तो दिस इज एन idiom, द स्टूडेंट्स आर रिलेटिंग idiom विद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। गॉल, गॉल मतलब गाली दे रहा है, अच्छा गॉल, गॉल का मतलब गाली दे रहा है क्योंकि गुस्से में है, इरिटेटेड, हेट्रेड है उसके प्रति। रेकलेसली, ये भी कर लोगे, रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। रेकलेसली मतलब केयरलेसली, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज को। चलो आंसर बना। टेक टू टास्क का मतलब तो किसी को डांटना, डांटना। लास्ट स्ट्रॉ, यस, ये तो 100% श्योर। होडर का मतलब है जो जमाखोरी करते हैं, हु होड्स, अ पर्सन हु होड्स थिंग्स। होड्स का मतलब है स्टोर करना, जमा करना। हार्पी इज अ मॉन्स्टर, ये ग्रीक माई, एक राक्षस है, एक ग्रीक, ग्रीक माइथोलॉजी में एक राक्षस का जिक्र है जिसका फेस वुमेन का है और बॉडी बर्ड का है, तो ये एक राक्षस है। और चर्लिश का मतलब होता है चिड़चिड़े लोग, मैंने इसको कैसे पढ़ाया था, चूर, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, ऐसे लोग कौन होते हैं, जो झगड़ालू होते हैं, पगनेशियस होते हैं, झगड़ालू लोग को बोलते हैं। अब प्रोफ्लिगेट तो कल बताया था, प्रोफ्लिगेट का दो मतलब होता है, एक प्रोफ्लिगेट का मतलब वेस्टफुल भी होता है और एक प्रोफ्लिगेट का मतलब करप्ट भी होता है, तो आंसर इज प्रोफ्लिगेट। यस जी टी गेमिंग, 481 वॉचिंग एंड ओनली 300 लाइक्स, That is not fair. So I won't move to the next question until and unless you people like the session. You enjoy the session. But you don't retort. पहले मुझे लाइक करो तब आगे बढ़ेंगे, सेशंस को लाइक कर दो। स्टूडेंट्स पता ही है, कई सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम कुछ अच्छे ही कंटेंट लेके आएगी। 3 साल से पढ़ रहे हो तो 3 साल काफ़ी होता है किसी पे भरोसा करने के लिए, तो भरोसा कर सकते हो मुझ पे, लाइक कर देना है तभी आगे बढ़ेंगे। प्रोफ्लिगेट का मतलब एक तो करप्ट भी होता है, बेईमान, करप्ट, और एक बहुत ज़्यादा प्रोडिगल होना, वेस्ट करना, वेस्ट करना। लाइक कर दिया है, ओके। देखो यहाँ हिमांशी, प्रोफ्लिगेट, वेस्टफुल, डिबाउचरी, रिबॉल्ड, लाइसेंशियस, लिबर्टीन। अब बताओ कि आप लोग का जो कंप्लेन होता है कि मैम वर्ड पावर याद नहीं होता है, वर्ड पावर हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं होता है, तो ये बच्चे कैसे याद करके रखें? आखिर ये भी तो आप ही के दोस्त हैं ना, तो जब इनको याद हो गया तो सबको याद हो जाएगा, वो भी भूले थे,
ठीक है, वो भी भूल लेते हैं बट बार बार रिवाइज करते करते. हाँ, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो लाइक द सेशन. इफ आई से ना गाइज प्लीज लाइक द सेशन, इट्स नॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन इंडिया, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट जो अब्रॉड है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे वाले स्टूडेंट्स, नेपाल. मम्मी के फोन से भी लाइक कर दिया, वेरी गुड. नहीं, दो बार नहीं करना है, लो बार लाइक कर दिया है. नेक्स्ट वाला, द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे. किसी चीज का बाय चांस अचानक से होना, बट अचानक से कोई पॉजिटिव चीज होना, कोई फायदेमंद, कोई फेवरेबल चीज का अचानक से होना. जीरो कोई नहीं होता है वर्षा, वो कैब में जीरो कोई नहीं होता है, बस आप लोग ध्यान नहीं देते हो. आप स्टूडेंट्स को भगवान ने इतना अच्छा माइंड दिया हुआ है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे आप सब कर लोगे. डिबैकल का मतलब होता है पतन. डिबैकल इज इन सेंस ऑफ डाउनफॉल. डाउनफॉल होना, डिक्लाइन होना, डिक्लाइन होना किसी चीज का. और अफ्लिक्शन का मतलब होता है दुख, दर्द, सफरिंग. कल मैं हार्डशिप करवा रही थी और डिफिकल्ट डाल दिया था ऑप्शन में, और कुछ बच्चे डिफिकल्ट कर देंगे. डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्टी तो होता तो हो सकता था, क्योंकि हार्डशिप नाउन है ना, डिफिकल्टी भी नाउन है. सफरिंग, मिजरी, दुख दर्द है ये, ठीक है, मिजरी अफ्लिक्शन हो गया. इनफेलिसिटी का मतलब क्या होता है? इनफेलिसिटी का मतलब दो मतलब होता है. एक इनफेलिसिटी का मतलब ना, जैसे फेलिसिटेशन समारोह होता है ना आपके स्कूल में, फेलिसिटेशन प्रोग्राम जहाँ सम्मानित किया जाता है, तो फेलिसिटी का एक मतलब होता है हैप्पीनेस, और इनफेलिसिटी का मतलब होता है अनहैप्पीनेस. लेकिन लेकिन इनफेलिसिटी का मतलब अनहैप्पीनेस तो होता है, इसका एक और मतलब होता है. इनफेलिसिटी का एक मतलब एरर भी होता है, कुछ गलत करना, एरर करना. सोलिसिज्म, सोलिसिज्म हम बोलते हैं ग्रामेटिकल एरर को. किसी चीज़ में आपने एरर कर दिया, रॉन्ग, मिस्टेक कर दिया, ग्रामेटिकल एरर होता है ना. ग्रामर में एरर को याद रखना, ये भी वन वर्ड में आता है सोलिसिज्म. तो आंसर क्या होगा? हाँ, सिरेंडीपीडी. हाँ, सिरेंडीपीडिटी. सिरीन का मतलब क्या होता है? सिरीन का मतलब है शांत. पॉजिटिव वर्ड है, कोई भी चीज़ का अचानक से होना, ओके, और आपके लाइफ में शांति या हैप्पी लाना. आपको शांत कर देगा, आपको खुश कर देगा, आपको प्लीज कर देगा. प्लीज, कोई कोई ज़्यादा खुश होकर दो बार भी कर देते, नहीं करना. अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अ फेथ. सॉलिसिज्म ग्रामेटिकल एरर को बोलते हैं. जैसे जैसे वर्ड्स आपके दिमाग में आते जाए ना, वो सब वर्ड्स को वहीं सीखते जाना है. हर समय रिलेट करके पढ़िए, चाहे ग्रामर हो चाहे वो कैब हो. अभी मैंने वर्ड पावर में निहिल वर्ड करवाया था. निहिलिज्म वाले वो लोग होते हैं ना, जैसे जिसको बिलीफ होता ही नहीं है, दे डोंट हैव एनी रिलीजियस बिलीफ, नो बिलीफ. निही का मतलब होता है नथिंग, उन्हें लगता है इस दुनिया में कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है. यहाँ तो नो रिलीजियस बिलीफ है. निहिल का मतलब भी होता है, निहिल मतलब नथिंग, नो रिलीजियस बिलीफ्स, ये किसी चीज़ पे बिलीफ नहीं करते हैं. तो ये तो वैसे ही हटा, ठीक है. अब बताओ, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? क्रीड बोलते हैं, वेरी गुड. क्री, क्री का मतलब ही होता है बिलीफ. द क्रीड, क्रीड का मतलब होता है बिलीफ, और कैसा वाला बिलीफ? धार्मिक, रिलीजियस. और हेरेसी का मतलब क्या होता है? हेरेसी किसको बोलते हैं? हाँ, नहीं, हेरेसी किसको बोलते हैं? इम्पायटी का मतलब होता है ना डिसरिस्पेक्ट, भगवान के प्रति आप डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हो. हेरेसी का मतलब है ना जो अनऑर्थोडॉक्स, जो जो हमारे हमारे कन्वेंशनल रीति रिवाज को नहीं मानते, ठीक है, कन्वेंशनल रीति रिवाज को नहीं मानते, नो. हाँ, कास्ट एंड क्रीड वर्ड सुना होगा. तो आंसर इज क्रीड. किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज एंड माउथ. किसी को, किसी का नोज या माउथ, गला गला नहीं है, हाँ, नोज या माउथ, सो डैट दे सफोकेशन. किसी को सफोकेट करके मार डालना, ओके. कभी कभी होता है ना, किसी के फेस पे पिलो डाल दिया किसी ने, नोज कवर कर दिया ताकि वो दम घुटने से मर जाए. हेरेसी इज अनऑर्थोडॉक्स, यस. मेवरिक होते हैं, बोहीमियन होते हैं, बोहीमियन होते हैं जो पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, अनकन्वेंशनल होते हैं. हाँ, स्मोदर करना, स्मोदर, स्मोदर करना मतलब गला घोट, सॉरी, दम घुट कर मरना.
और स्ट्रैंगुलेट मतलब गला घोटकर हत्या करना, स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ, गला घोटकर हत्या कर देना, और स्ले करके तो कत्ल करके, तलवार से काट कर मार। अच्छा चलो ये हो गया, अब मुझे बताओ कि सबका मतलब भी तो चाहिए, सबका चाहिए, ये बुलवर्क का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब जानना है ना। यस, एक्सफिशिएट करके मारना, एक्सफिशिएशन से बॉडी एकदम ब्लू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, चोक हो जाता है। हाँ नहीं, मुझे बुलवर्क का मतलब बताओ। यस, बुलवर्क इज अ डिफेंसिव वॉल, दीवार को बोलते हैं, डिफेंसिव दीवार, डिफेंसिव वॉल। फॉस्टर करना तो किसी को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को फॉस्टर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो। ये सेंटिनल किसको बोलते हैं? सेंटिनल याद कर लो, संतरी। सेंटिनल इज अ गार्ड और अ सोल्जर, गार्ड और सोल्जर, जिसका जिसको निगरानी के लिए रखा जाता है। ओके, अ गार्ड और सोल्जर होता है हुज जॉब इज टू, हुज जॉब इज टू गार्ड और वॉच, उसका काम होता है निगरानी करना, संतरी या सेंटिनल, डिफेंसिव वॉल। यस, अ स्मॉल इंक्लोजर फॉर कैटल, ये सब एग्जाम्स में आया हुआ है, स्मॉल इंक्लोजर जहां पे कैटल, मवेशी, शीप, पोल्ट्री को रखा जाता है। सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं टिक करना है, ओके, सिर्फ करेक्ट आंसर ही नहीं जानना है, आपको बाकी ऑप्शंस का भी मतलब पता होना चाहिए, ताकि आपको फिर दूसरे क्वेश्चंस में भी ये सब आ जाए तो आप फिर कंफ्यूज ना हो। चलो बताओ। अच्छा, सेलर, सेलर किसको बोलते हैं? जहां पे क्या रखते हैं? अ प्लेस वेयर वाइन, शराब वगैरह, वाइन इज स्टोर्ड, वाइन वगैरह को स्टोर, वाइन रखा जाता है। ठीक है, स्टाई में किसको रखते हैं? प्लेस फॉर पिग्स, पिग्स के लिए रखते हैं, पिग्स, पिग्स वगैरह को रखते हैं स्टाई में, सेलर जहां वाइन वगैरह को स्टोर करते हैं। और ये जो लेयर है ना, ये लेयर का मतलब है जहां पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, प्लेस है ये, वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स। और ये जो कैटल, शीप के लिए होता है पेन। अब पेन का मतलब ये पेन मत समझ लेना, वो अलग पेन है। स्टाई में पिग को रखा जाता है, पेन में मवेशी, यानी शीप, पोल्ट्री एंड ऑल द प्लेस वेयर दे आर केप्ट। म्यूजिक सांग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, किसी के पर्सन के विंडो के सामने कोई म्यूजिक प्ले किया जा रहा है ताकि वो रात में आराम से सो जाए, वेरी सूदिंग म्यूजिक। ओके, वो हनी सिंह टाइप वाला म्यूजिक नहीं है, बहुत सूदिंग म्यूजिक है, ताकि वो रात में विंडो के नीचे बजाया जाता है। ये सब ग्रीक और रोमन वाले जमाने में होता था, शेक्सपियर के नॉवेल्स में इसका जिक्र है। बताओ, लायर का मतलब तो जो, वो तो मैंने लेयर, LAIR किया है, लायर का मतलब तो झूठा व्यक्ति है जो झूठ बोलता है। यस, म्यूजिक सुन के ना, रात में पर्सन के विंडो के नीचे म्यूजिक बजाया जाता है ताकि उसको शांति से नींद आ जाए, सिरीन, सिरीन। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, और लिरिक्स तो जानते हैं ना, गाने के लिरिक्स, गाने के बोल। और प्रीमो ना, ये पियानो में यूज करते हैं, ये कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको पियानो में यूज किया जाता है, डुएट। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड, साइन होने के बाद लेटर में कोई चीज ऐड होता है, उसको क्या बोलते हैं? चलो बताना। एनीथिंग रिटन इन अ लेटर, जब वो साइन हो जाए उसके बाद, आफ्टर वर्ड से पता चल रहा होगा, आफ्टर। ये कोरी जैंडम ना, अ करेक्शन, देखो कोरी, कोरी का मतलब होता है करेक्ट करना, करेक्शन लगाया जाता है, कोई बुक वगैरह पब्लिश हो गया या कुछ भी पब्लिश हो गया, बाद में कोरी जैंडम किया जाता है, करेक्शन लगाया जाता है। ये पोस्टेरिटी किसको बोलते हैं? पोस्टेरिटी किसको बोलते हैं? पोस्टेरिटी इज द फ्यूचर जनरेशन। ये आपका हो सकता है idioms, ये आपके synonyms में आ जाए, तो word याद रखना है,
पोस्टेरिटी का मतलब होता है आपके आने वाली पीढ़ी, ठीक है। और यस, पोस्ट डिक्शन का मतलब है ना एक्सप्लेनेशन, बाद में कोई आप एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। और अ लेटर में एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड इट्स पोस्टस्क्रिप्ट। एनडीए के लिए भी यहीं से पढ़ोगे, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं ये जो ब्रिटिश वगैरह आए थे, ब्रिटिश वगैरह ने क्या किया था इंडिया के साथ? पहले तो ट्रेड करने आए थे और बाद में इन्होंने क्या किया, वहाँ पे पूरा अपना एम्पायर और इन्फ्लुएंस ही बना लिया। क्या बोलते हैं, देखो बता दिया, हिंट दे दिया, इंटरनेशनलिज्म, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब तो होता है सोशलिज्म, सोशलिज्म या लिबरलिज्म, समाजवाद वाला लिबरलिज्म। यस, इंपीरियल रूल, ब्रिटिश का इंपीरियल रूल था। इसको हिंदी में बोलते हैं साम्राज्यवाद, कि ब्रिटिश आए थे ट्रेड करने एंड देन दे एम्पायर कर दिया, अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य ही फैलाने लगे, इन्फ्लुएंस। और कैपिटलिज्म पूंजीवाद, ये तो जानते। अ पार्ट ऑफ अ चर्च जहाँ पे बेल्स हैंग रहते हैं, चर्च का वो हिस्सा जहाँ पे बेल्स हैंग रहते हैं। सेशन अच्छे लग रहे हैं, लाइक करते जाना, 612 वॉचिंग बट ओनली 588 लाइक्स। हमेशा लाइक करते जाना, जिसके जिसकी एंट्री हो रही है। अभी तो ये सेशन लंबा चलेगा। अभी ना चैपल नहीं होता है, चैपल तो वर्शिप के लिए होता है। ध्यान दो, अ पार्ट ऑफ अ चर्च, चैपल भी अ रूम इन अ चर्च। चर्च में एक रूम होता है जहाँ पे बैठ के हम क्या, वहाँ पे वर्शिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, वर्शिप वर्शिप, ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं जहाँ पे बेल्स हैंग रहते हैं, बेलफ्रे, बेलफ्रे को बोलते हैं जहाँ पे बेल्स लटकाए हुए होते हैं, घंटी रहते हैं, घंटी घंटी। और मिनारेट ना, ये जो टावर होता है, ये सब मस्जिद वगैरह में होता है। ये भी चर्च का ऊपर वाला टॉप टावर वाले पार्ट को बोलते हैं। ये घंटी, जहाँ पे घंटी रहते हैं, बेलफ्रे, बेल वर्ड है ना, बेल बेल, जहां पे बेल लटके हुए होते। माइनिया फॉर टॉकिंग, किसी को बात करने की, एक माइनिया का मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन, कुछ लोग बहुत बात करते हैं। माइनिया फॉर टॉकिंग, मॉस्क विद बालकनी फ्रॉम विच, अच्छा, प्रेयर के लिए जाते हैं। ओके, वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड। माइनिया फॉर टॉकिंग, बात करने की सनक होती है, ऑब्सेशन फॉर टॉकिंग, बहुत बातों नहीं होते हैं, बहुत लोक्वेशियस होते हैं। लोगो, हाँ लोगो, लोगो माइनिया। पायरो का मतलब क्या होता है? पायरो वर्ड आया है पायर, पायर का मतलब होता है फायर। वैसे हम पायर, पायर को चिता भी बोलते हैं, चिता, फ्यूनरल पायर, ये जो फ्यूनरल पायर होता है ना, उसको चिता बोलते हैं, फ्यूनरल फायर जो होता है। पायर का मतलब होता है फायर, फायर। तो जिसको फायर से बहुत ऑब्सेशन हो, कुछ लोगों को फायर बहुत पसंद है, ठीक है, फायर फॉर ऑब्सेशन। और बिब्लोमैनिया किसके लिए? लाइक, लाइकिंग फॉर बुक्स। बिब्लो का मतलब होता है बुक्स, किसी को बुक्स बहुत पसंद होता है। और कैप्लो, क्लेप्टोमैनिया कैसे बोलते हैं? जिसको चोरी की आदत हो जाती है, क्लेप्टोमैनिया, अर्ज टू स्टील, इररेजिस्टिबल अर्ज टू स्टील, चुराने की हैबिट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई कमी है, सब होने के बावजूद भी उन्हें चुराना उनकी हैबिट होती है। तो आंसर इज दिस। आज डिस्क्रिप्टिव का लास्ट बैच है भैया, आज हमारे अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स और हमारे सारे मेंस वाले स्टूडेंट्स, आपका संडे को, संडे को आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है, इसलिए आज डिस्क्रिप्टिव की लास्ट क्लास है। चोरी की आदत हो जाती है, हाँ। और संडे को ही ना मैंने आपके लिए सेशन रखा है। मैं सारे अपने यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी बोलूँगी कि जिन बच्चों को, एक तो हमारे मेंस वाले बच्चे तो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेकिन जिन, जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, ओके, जो बच्चे इस साल प्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनको स्ट्रैटेजी चाहिए कि मैम कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए शॉर्ट में, तो आप अन अकेडमी स्पेशल क्लास में दोपहर के 1 बजे आ जाइए, संडे को दोपहर के 1 बजे, ओके, संडे। मैंने लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है,
मैं आपको स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग इंग्लिश की भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और साथ में जीएस कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बेटर आपके मैथ्स और जीएस और रीजनिंग के टीचर बताएंगे, बट फिर भी मैं आपको बताऊँगी जो स्टूडेंट से मैं कॉन्टैक्ट में रहती हूँ, जो मुझसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि जीएस को कैसे पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, मैथ्स। तो 1 बजे संडे को जुड़ जाना स्पेशल क्लास में, लिंक मैं डाल दूंगी। अब सेंटेंस के वर्ड्स पे ध्यान देना। एन एक्सट्रीमली डीप क्रैक हो गया है या ओपनिंग हो गया है इन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब धरती पे, अर्थ पे, अर्थ जमीन पर, अर्थ ग्राउंड मतलब यहां जमीन पे जो क्रैक है उसको क्या बोलते हैं, ये बने ही है जमीन के लिए। आज 1 बजे तो एम वाला वर्ड्स होगा। हाँ, स्ट्रैटेजी फॉर सीजीएल एंड सीएचएसएल बोथ। पिट तो होल होता है, ये पिट तो कहीं भी हो सकता है, होल कहीं भी हो सकता है। अपर्चर का मतलब भी होल होता है, कैमरा में भी आप देखते हो ओपनिंग है, होल है, कैमरा में भी अपर्चर होता है। डिच का मतलब होता है खाई, खाई रोड किनारे खाई वगैरह होता है, लेकिन ये बोल रहे हैं एकदम डीप क्रैक, अर्थ में जो डीप क्रैक हो जाता है ना उसको हम कैजम बोलते हैं, कैजम बोल देते हो या गॉर्ज भी बोल देते हो, कैजम कैजम। डिच नहीं बोलेंगे, डिच का मतलब खाई होता है, डीप क्रैक है, और खाई हम क्रैक को नहीं बोलते हैं, खाई 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 ऐसा नहीं है कि खाई बहुत फैला हुआ होता है, खाई डिच इज वेरी ब्रॉड, ओके, डिच ब्रॉड होता है, डीप बस यहाँ पे क्रैक आ गया है, क्रैक क्रैक को कैजम बोल, अ वेरी शार्प, अ वेरी डीप क्रैक। लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, वैसे तो हम सब यूज कर देते हैं, सिनोनिम्स में तो सब यूज कर देंगे, सिनोनिम्स में ना लगेगा कि ये भी होल है, ये भी अपर्चर भी है, कैजम भी है, गॉर्ज भी है, क्लेफ्ट भी है, सब है, लेकिन यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। हाँ, एक तो तुम्हें डिच कर दूंगा मैं तुम्हें धोखा दूंगा, वो डिच मैं तुम्हें डिच, उसने मुझे डिच किया, उसने मुझे डिच किया, वो वर्ब है, मतलब उसने मुझे धोखा दिया। हाँ, लिस्ट ऑफ कोई भी, जैसे बोलते हैं ना पार्टी का एजेंडा क्या है, या मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मीटिंग में जो जो पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं ना उसको हम बोलते हैं द प्लान, द एजेंडा, एजेंडा। पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ, इस वर्ड का ना, ये जो वन वर्ड का हो सकता है इसका लैंग्वेज आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा, और ऑप्शंस भी परेशान करने ही वाले हैं, ऑप्शंस भी परेशान करने ही वाले हैं, जो लॉ में हु ब्रिंग्स एन एक्शन, एक्शन लाता है मैट। हाँ चलो पहले बता दो, प्लेंटिफ, लिटिगेंट, डेपोनेंट एंड डिफेंडेंट, जो हमारे बच्चे लॉ कर रहे हैं या जुडिशियरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब वर्ड्स अच्छे से पता होगा। नहीं, लिटिगेंट का मतलब होता है ना लिटिगेशन, लिटिगेंट का मतलब है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मान के चलो, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। और डिफेंडेंट का मतलब भी है ना, जिसके खिलाफ केस चल रहा, अक्यूज्ड। देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा जुडिशियरी का नॉलेज नहीं है, तो मैं एक लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, हो सकता है ना जो बच्चे जुडिशियरी वगैरह की तैयारी करते हैं आप बोलोगे मैम दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों का मतलब मोर और लेस अक्यूज्ड ही है, अक्यूज्ड। और डेपोनेंट का मतलब ना उस विटनेस को बोलेंगे, गवाह, तो जो जो कोर्ट, जो केस को कोर्ट में लाता है वो प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ को सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, जो केस को कोर्ट में लाया है। हाँ, लिटिगेंट का मतलब भी अक्यूज्ड ही, और डिफेंडेंट का मतलब भी अक्यूज्ड है, और ये याचिका प्लेंटिव है। हाँ वही, याचिका वाले प्लेंटिव होगा। लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, जब लॉटरी के टिकट खरीदते हो उस लॉटरी के टिकट्स पे नंबर्स होते हैं, फिर आप टैली करते हो नंबर और फिर आपको लॉटरी मिलता है। तो लॉटरी एक ऐसा लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड, एक आर्टिकल असाइन किया जाता है उन लोगों के लिए जिसने वो टिकट खरीदा है। एक तो प्लेंटिव का मतलब शांत भी होता है, ये वाले प्लेंटिव का मतलब
सैड है, ठीक है। ये प्लेंटिफ का मतलब है प्लेन टी मिला, चाय बिस्किट नहीं मिला, सैड है। बट अभी मैंने बताया प्लेन टिफ, टिफ इसका मतलब है कंप्लेनेंट, जिसने शिकायत दर्ज करवाई। ना ना, ऑक्शन नहीं होगा, ऑक्शन तो नीलामी होता है, ठीक है। ऑक्शन तो वो बिडिंग वाला जो होता है ना, बिडिंग में बोली लगाते हैं ऑक्शन में, तो वो ये तो होगा नहीं। ऑडिट नहीं होगा, ऑडिट रिपोर्ट जानते हो। और ट्रांजिट का भी मतलब देयर इज रैफल, ऑक्शन नहीं होगा। अरे ऑक्शन लॉटरी थोड़ी होता है, आपको लग रहा होगा ना आर्टिकल है ऑक्शन में, नीलामी में सामान बेचा जाता है, बट वो लॉटरी थोड़ी है। ऑक्शन इज नॉट लॉटरी, जस्ट सी द वर्ड लॉटरी एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड योर ऑप्शन। रैफल, रैफल लॉटरी के लिए। गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, अपने विल, विल का मतलब है वसीयत, वसी भी गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, अपने वसीयत में, आपके जाने के बाद वसीयत में आपको एक गिफ्ट छोड़कर गया, दिया गया है। हाँ, ऑक्शन इज नॉट अ लॉटरी, इट्स अ पब्लिक सेल ऑफ गुड्स। चलो जल्दी जल्दी करो, 12 o'clock की क्लास का नोटिफिकेशन भी आ गया है, फटाफट खत्म करते हैं। वो रफल अलग है, रफल का होना मतलब अनॉय होना, रफल द फेदर्स, बर्ड्स अपने फेदर्स को रफल करते हैं जब वो अनॉयड है। लेगेसी, यस। एलिमनी क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होता है तो हस्बैंड को एलिमनी देना पड़ता है अपनी वाइफ को, शादी के बाद वाले खर्चे, तो वो तो अलग हो गया। पारसी मनी का मतलब होता है ना, जो लोग बहुत कंजूस होते हैं, फ्रुगैलिटी। तो आंसर इज लेगेसी, लेगेसी, लेगेसी। फियर ऑफ फॉरगेट गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग, रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। कुछ गर्ल्स होते हैं ना, कुछ हमारे यंग गर्ल्स होते हैं जो बहुत कम खाते हैं, ठीक है, उन्हें डर होता है ना कि वो मोटे हो जाएंगे, और इस वजह से ना वो बहुत कम खाते हैं, मतलब कम क्या, खाने ही बंद कर देते हैं, डाइटिंग पे चले जाते हैं, जिस वजह से नुकसान होता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ को, इस फियर को क्या बोलते हैं, मोटे होने का डर, मोटे होने का डर। अच्छा, गाइनी किससे रिलेटेड है, गाइनी, गाइनी विमेन से रिलेटेड है, ठीक है, और एंड्रो मेन से रिलेटेड है। और फोबिया का मतलब पढ़ा दिया है मैंने, वन वर्ड सब पढ़ा दिया है, ओके। कुछ को लग रहा होगा कि मैम ये सब कहाँ पढ़ाया है, ये सब मैंने जब रूट वर्ड करवा रही थी, फोबिया का मतलब डर, तो फियर ऑफ वुमेन, जिसको वुमेन से डर लगता है, पता नहीं कौन है वो। और कुछ लोग होते हैं जिसको मेन से डर लगता है, फियर ऑफ मेन, तो ये सब तो होगा नहीं। और हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है पानी, ठीक है, पानी से तो बहुत लोग को डर लगता है, फियर ऑफ वाटर। यंग गर्ल्स मोटे होने के डर से नहीं खाना पीना खाते हैं ना, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर। टू गिव वंस अथॉरिटी टू अदर, किसी को अपना अथॉरिटी दे देना, मतलब मालिकाना अधिकार देना, अथॉरिटी दे देना, उसको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेट करना, रिप्रेजेंट करना, असाइन करना या डेलीगेट करना। मैन से नहीं डर लगता है, वुमेन से डर है। किसको वुमेन से डर लगता है, डीएम एजुकेशन को। अच्छा, खुश हो जाते हैं, ऐसे ऐसा आ जाता है ना, सब खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक से अलग बात आ जाएगी, मेरे को मैन से डर लगता है, मेरे को वुमेन से लगता है, ये सब मैं तो भर भर के कमेंट्स आएंगे। यस, अपनी डेजिग्नेट करना ना, डेजिग्नेशन मतलब किसी को कोई टाइटल देना, रिप्रेजेंट करना, किसी के बिहाफ पे आप रिप्रेजेंटेट कर रहे, असाइन का मतलब है ना किसी को जिम्मा देना। हाँ, गवर्नमेंट अपने डेलीगेट्स भेजा है, डेलीगेट करना मतलब अधिकार देना, अधिकार भी दे देना, ठीक है। डेजिग्नेशन मतलब किसी को कोई टाइटल देना, बोलते हैं ना आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका पोस्ट क्या है। रिप्रेजेंट करना, कोई नहीं जा पाया उसके बदले आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो अपना राइट्स देकर उसको भेजा जा रहा है, डेलीगेट, डेलीगेट। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ विंड, विंड के स्पीड को, विंड के फोर्स को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, विंड के स्पीड को, हवा के स्पीड को। अच्छा, बंगाल में ऑनलाइन चैनल को ब्लॉक कर दिया है, ऐसा क्यों? बंगाल के लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऑनलाइन चैनल्स को, यूट्यूब को भी। अरे बैरोमीटर नहीं होता है, बैरोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, टू मेजर एटमोस्फियरिक प्रेशर, ये तो सुना होगा आपने,
एटमोस्फियरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है। और ब्लड प्रेशर देखा होगा ना, किसी का ब्लड प्रेशर लेना होता है तो वो ब्लैक कलर का फ्लैप लाते हैं, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, तो उसको स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर है, और वो एटमोस्फियरिक प्रेशर। ठीक है, टेलीस्कोप तो पता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने लिए, तो एनीमोमीटर। और विंड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए ना, विंड के डायरेक्शन दिशा को मेजर करने के लिए हम विंड वेन का यूज करते हैं। विंड वेन से डायरेक्शन मेजर करते हैं, बट विंड के स्पीड के एनीमोमीटर। हाँ, मैं पीडीएफ नहीं डालती हूँ, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं 100 के पहले पीडीएफ नहीं डालती हूँ। आपको पीडीएफ 100 के बाद ही मिलेगा, इसलिए जितना भी हल्ला करोगे कुछ नहीं होने वाला है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। जब आप बोल रहे हो ना कि आप पीडीएफ क्यों नहीं डालते, इसका मतलब है कि आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो, नए स्टूडेंट हो। अ प्लेस जहाँ पे क्लोथ्स रखे जाते हैं, क्लोजेट, ड्रॉर, कबर्ड। कबर्ड में तो कुछ भी रख सकते हो, पेन पेंसिल भी रख सकते हो, बट खास करके क्लोथ्स के लिए बना। रोब, रोब का मतलब ही होता है ड्रेस और क्लोथ्स। वैसे तो हम बोलोगे मैम हम तो अपने क्लोजेट में भी कपड़े रख लेते हैं, हम तो कबर्ड में भी रख लेते हैं, बट खास करके क्लोथ्स के लिए जो रोब, रोब का मतलब ही होता है ड्रेस, वार्डरोब। 30 तक, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और विड्रॉन, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता। आंसर बताना, दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और विड्रॉन। रोब रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रेस। इरिवोकेबल, इरिट्रीवेबल, इररिफ्यूटेबल, इररेजिस्टेबल। रेजिस्ट, जिसको आप अपोज नहीं कर सकते हैं, ओके, कैन नॉट बी अपोज्ड, जिसका आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जिसका आप विरोध नहीं कर सकते। इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूट मतलब मना करना। कैन नॉट बी डिनाइड, जिसको आप मना नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिनाइड। इरिटेबल का मतलब है कैन नॉट बी रिकवर, डेटा रिट्रीव करते हो ना, डेटा को रिकवर करते हैं, कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अब आंसर क्या बचा? इरिवोकेबल, एक बार जो हो गया वो वापस विड्रॉ नहीं किया जा सकता, चेंज, इरिवोकेबल होगा, इरिवोकेबल। हाँ, क्यों गलत गलत आंसर बता रहे हो सब? रिट्रीवल का मतलब है जिसको रिकवर नहीं कर सकते। अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और कौन सी चीज़? जैसे कि फूड को, रोल्स ऑफ फिल्म, जो कैमरा फिल्म होता है, केमिकल्स। आंसर बताना। अब आपकी क्लास मंडे को होगी और सेशंस अच्छे लग रहे हैं लाइक कर देना है, बट ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे फ्री जाएगा। कल आपका शाम में 7 बजे क्लोज टेस्ट का सेशन जाएगा, ठीक है, मैराथन, तो देख लेना। हाँ चलो बताओ, कैनिस्टर, जिसको हिंदी में ना कनस्टर बोलते हैं, इंग्लिश में कैनिस्टर, जहाँ पे हम ना फूड रखते हैं, केमिकल्स रखते हैं। और ये कैस्केट क्या है? कैस्केट कॉफिन है, कॉफिन होता है ना जहाँ डेड बॉडीज को रखते हैं, बॉक्स फॉर डेड बॉडीज। डेड बॉडीज को जिसमें रखा जाता है उसको हम कैस्केट बोलते हैं, ओके। और वेसल का दो मतलब होता है, एक तो वेसल का मतलब होता है ना बोट, जो बोट होते हैं ना, बड़े नाव को, बड़े बोट को भी हम वेसल बोलते हैं। और एक वेसल का मतलब होता है कैन, ठीक है, वेसल में अपने कैन लिक्विड वगैरह रखते हैं, कैन। और ये जो टैंकर्ड है, ये है, ये क्या होता है, बियर मग को बोलते हैं, जिस मग में लोग बियर पीते हैं। तो आंसर इज कैनिस्ट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। टू स्कोल्ड और रिब्यूक समवन। शिकेनरी, ये तो बता दिया है, शिकेनरी का मतलब होता है डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखा। क्या लिख दिया? डिसेप्शन, डिसेप्शन का मतलब है धोखा, धोखा, फॉल्सिफिकेशन, चीट करना, ठीक है। और कैरेस का मतलब होता है ना अ जेंटल टच, किसी को आप बहुत जेंटली टच कर रहे हो, टच कर रहे हो, अ जेंटल टच विथ केयर, केयर करने के उद्देश्य से किसी को जेंटली टच कर रहे हो, कोई बीमार वगैरह है,
कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, जिसको हम बोलते हैं स्लॉटर, मास स्लॉटर, जिसको ये भी बोलते हैं जलिया वाला बाग मैसिकर, नरसंहार, नरसंहार मास मर्डर। और किसी को डांट और रहे हो तो ये चाइड कर रहे हो, चाइड बच्चों को, चिल्ड्रेन को डांटा जाता है, रेप्रिमेंड 30 तक करते हैं। एक्सेसिव सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस विथ एनीथिंग और एनीवन। हाँ, कैरेस का मतलब होता है लव, अ जेंटल टच ऑफ लव। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, राइट, एक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे समुद्र मंथन बैच का रिस्पॉन्स बच्चों में दिख रहा है। एक्सेसिव सिमिलैरिटी, देखो एम्बिगुअस का मतलब तो डाउटफुल होता है, ठीक है। अफ्लिक्शन मतलब अभी बताया, अफ्लिक्शन का मतलब होता है सफरिंग, दुख, दर्द। अफर्मेशन, अफर्म करना, अप्रूवल देना। तो आंसर इज क्या, एफिनिटी। एफिनिटी का दो मतलब होता है, एक एफिनिटी का मतलब होता है लाइकिंग, किसी के प्रति आपका नेचुरल झुकाव, लाइकिंग, फॉन्डनेस, और एक एफिनिटी का मतलब सिमिलैरिटी भी होता है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर। ओके, वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स। एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर, जो दूसरे राइटर्स की कॉपी करते हैं, जो साहित्य की, राइटर्स वर्ड दिया है, राइटर्स 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 मतलब जो हमारे लेखक होते हैं, इसको हम बोलते हैं साहित्य की चोरी करना। और ये एग्जाम में बहुत बार आया है, एग्जाम में ना एक बार नहीं, ये मैनी अ टाइम्स दे हैव आस्क्ड दिस वन वर्ड इन द एग्जाम। कॉपी राइटर तो अलग हो गया, कॉपी राइट होना मतलब ना एक राइट मिलना टू द ओरिजिनल पब्लिशर, राइट ऑफ द ओरिजिनल पब्लिशर वगैरह है, राइट ऑफ द ओरिजिनेटर, कोई भी चीज़ जिसने शुरू किया, जैसे कोई बुक लिखा है, कुछ भी है, तो बुक का कॉपी राइट उसके पास है, एक लिमिटेड समय तक उसके पास ये कॉपी राइट रहेगा, राइट ऑफ द ओरिज, जिसने शुरुआत की है। एपिक्योर इज पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसको खाने पीने का बहुत शौक है, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो आंसर बचा प्लेजियारिज्म, आपने प्लेजियारिज्म किया है ना, मतलब साहित्य की चोरी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारे 30 वर्ड्स है, स्टूडेंट्स को बता दूँ, जब ये 100 वर्ड्स हो जाएगा ना, 30 30 रोज देना पॉसिबल नहीं है, जब 100 हो जाएगा तब मैं दे दूंगी। जैसे अब मंडे को हम मिलेंगे, मंडे को सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, फिर ट्यूजडे, मंडे को 2 दिन सिनोनिम्स होगा, तो आई थिंक मैं 2 दिन सिनोनिम्स करूंगी ना, तो पूरा 100 हो जाएगा, तो आपके पास सिनोनिम्स का पीडीएफ चला जाएगा, फिर एंटोनिम्स का भी जाएगा, ईडीएम्स का भी जाएगा, बस थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा शांत रहना है, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं अनअकैडमी के बैचेस के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। अनअकैडमी पे जो जो बैचेस अभी शुरू हो रहे हैं, एक एपेक्स बैच है प्री प्लस मेंस का, इसका पार्ट 3 कल ही से शुरू हुआ है, 3:30 से 5 इसका पार्ट 3 शुरू हुआ है। कल मैंने इसमें नाउन पढ़ाया था, आज भी नाउन ही चलेगा, ठीक है। ये तो ग्रामर का फाउंडेशन बैच हो गया, और वो कैप का बैच 8 से 9:30 समुद्र मंथन चल रहा है, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रही हूँ, बच्चे सिनोनिम्स एंटोनिम्स को वन वर्ड और ईडियम से जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं। और मंडे से, मंडे इज 7th ना, तो 7th से ईडियम्स और वन वर्ड का एक नया एक्सक्लूसिव बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 बजे से इसकी टाइमिंग है, 12 से 1। और ट्यूसडे से आपका स्पॉटिंग एरर्स, स्पॉटिंग एरर का प्रैक्टिस सेट, क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस सेट और पैरा जंबल्स का प्रैक्टिस सेट, ये शुरू हो रहा है ट्यूसडे से, और मंडे से अभी 2 बैचेस ये आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता ही है, अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए आपको अपना अनअकैडमी का ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और एडमिशन के समय आप ये कोड डालना, RANI10, RANI10 डालोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे स्पेशल क्लासेस देखते हो तो आपको और भी डिस्काउंट हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत हो, ये नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, इस पर आप कॉल कर सकते हो, ये आपको हेल्प भी करेंगे, और जहाँ भी डाउट ग्रुप में जहाँ जोड़ना है आप उन्हें बता देना, वो आपको जोड़ भी देंगे। और ये सब तो मेरा फेसबुक टेलीग्राम है, ये सब अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स का बैच है, लक्ष्य बैच, कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच, ये सारे बैचेस है, टारगेट एसएससी स्टेनोग्राफर, और एक अनअकैडमी पे कुछ सरप्राइज आने वाला है। हाँ, और मेरा टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी पे, टेस्ट सीरीज हर मंडे के मंडे चलता है, इसका लिंक ना हर मंडे को मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो बस मुझे यही बोलना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंग्लिश विद रानी मैम ब्रैकेट में यूसी लाइव, ठीक है, इस टेलीग्राम से जुड़ जाना। वैसे मैंने लिंक पिन कर दिया है,
असली वाले पे जुड़ना, हर दिन क्विज जाता है तो असली वाले पे जुड़ जाना, ठीक है। इस बार मंडे 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21, 28 को ये सब होने वाला है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और ये अभी फरवरी के ऑफर्स चल रहे हैं, ये तो शायद कल ही तक था। और हाँ, ये तो हम टीचर्स को भी नहीं पता है, ह्यूज सरप्राइज कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, स्टे ट्यून्ड रहना, अन अकेडमी से जुड़े रहना, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से जुड़े रहना। अब देखना है कि इनका सरप्राइज क्या है, ये एडुकेटर्स को भी नहीं पता है, कमिंग सून जल्दी आने वाला है, इसे मिस नहीं करना। ये हम लोगों के लिए भी सरप्राइज है और ये सब आइकॉनिक फीचर्स है, यही सब है। और इस बार का कॉम्पैक्ट दे देना, इस बार जो संडे को कॉम्पैक्ट है ना, इसमें आपका CHSL टारगेटेड कॉम्पैक्ट है, तो इसको दे देना। यहाँ भी टेस्ट देते समय एक आईडी मांगेंगे, कोड मांगेंगे, रानी 10 डाल दें। ओके, तो चलो मिलते हैं। एंड बिफोर आई एंड द सेशन, कल तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, कल यूट्यूब सेशन है नहीं, तो विश यू अ वेरी हैप्पी वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा टू ऑल माई स्टूडेंट्स। मे द गॉडेस गिव यू इमेंस नॉलेज, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। मे यू गेट योर ड्रीम जॉब। नेक्स्ट सरस्वती पूजा मुझे स्टूडेंट्स ये बोलते हुए मिले कि मैम लास्ट टाइम आपने विश किया था, हम तैयारी कर रहे थे, अभी देखो हम गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है, हम अपने ऑफिस से बात कर रहे हैं आपसे। ओके, तो अ वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा एंड वसंत पंचमी टू ऑल माई स्टूडेंट्स। अच्छे से पूजा कर लीजिएगा, विजडम, गॉडेस ऑफ विजडम एंड नॉलेज। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, अब मंडे को मिलेंगे।